जबलपुर जिला परिवहन अधिकारी और वहां पर तैनात एजेंटों का विवाद अब सरेरा आ गया है। आज मामूली बात को लेकर फिर एजेंट और आरटीओ एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसके बाद आरटीओ ने सभी एजेंटों को कैंपस से बाहर कर दिया। गुस्साए एजेंटों ने गेट के बाहर आकर जमकर हंगामा किया और आरटीओ संतोष पाल पर कई संगीन आरोप लगाए। परिवहन विभाग में बैठने वाले एजेंटों ने जिला परिवहन अधिकारी संतोष पाल पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि आरटीओ ने परिवहन विभाग के सभी नियम कानूनों को ताक में रख दिया है। जो भी फीस शासन के द्वारा निर्धारित की गई है, उस फीस से कहीं बढ़कर आरटीओ पाल साहब पैसे मांग रहे हैं। वहीं अगर किसी को अपनी गाड़ी ट्रांसफर करवाना हो तो उसे घंटों चपरासी के सामने खड़ा रखवाया जाता है, जबकि नियम के तहत एआरटीओ या सेकंड क्लास के अधिकारी को गाड़ी के कागज मालिक के सामने चेक करने का अधिकार है। वहीं नाम ट्रांसफर के लिए जहां 800 से 850 रुपए की जगह 1500 से 1700 रुपए की मांग आरटीओ द्वारा की जा रही है। एजेंटों ने जिला परिवहन अधिकारी पर यहां तक आरोप लगाया कि संतोष पाल साहब ने परिवहन विभाग से हटकर कई नियम बनाए हैं। आज हुए हंगामे के बाद करीब 250 से ज्यादा एजेंटों ने 13 जनवरी तक के लिए काम को बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि 13 तारीख को सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री लखन घनघोरिया से मुलाकात की जाएगी और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि आरटीओ में बैठना है या नहीं। इधर जिला परिवहन अधिकारी संतोष पाल ने आज हुए विवाद को कुछ कागजी दस्तावेज को बताया। बहरहाल आरटीओ संतोष पाल के खिलाफ सभी एजेंट लामबंद हो गए हैं। माना जा रहा है कि एजेंट के द्वारा मंत्री लगन गंगोरिया से की गई आरटीओ की शिकायत उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जबलपुर से विकास पांडे की रिपोर्ट। मेरा कहना यह है कि जैसा कि ये गाड़ियां हम लोग एक्सचेंज करते हैं, हम लोग पुरानी गाड़ियों को सेल परचेज काम एक्सचेंज काम करते हैं। हम आज गाड़ी खरीदते हैं, हमारी गाड़ी बिकने का कोई टाइम निश्चित नहीं होता। को आज बिक जाए, को एक महीने बाद बिके, को 15 दिन बाद बिके, को साल ना बिके, ठीक। जो पार्टी एक्सचेंज करके हमारे पास गाड़ियाँ लेके चली जाती हैं, वो दोबारा उनको बुलाओ, क्योंकि पैसे पहले ले चुकी होती, कभी प्रस्तुत हो पाती, कभी प्रस्तुत नहीं हो पाती। जिनने गाड़ी हम एक्सचेंज करी वो चले गए। अब बिक्रेता हमारे लाने में तकलीफ होती है। हम साल भर भर 6 महीने भर गाड़ी बिकती है, किसी कारण लेट हो जाती है तो हम विक्रेता को प्रस्तुत नहीं कर पाते, उस चीज़ में हमें फीस देनी पड़ रही है। हम कहाँ से प्रस्तुत कर पाए, हमारा व्यापार वैसे ही खराब चल रहा है, स्थिति वैसी भी जाएगी, डामाडोल है। फीस के ऊपर आप दलालों के अनुसार कहना है कि आपको डबल फीस लगेगी, हर चीज़ डबल फीस लगेगी। हमारा व्यापार कुछ चौपट हो चुका है, पूर्ण रूप से चौपट हो चुका है। हम बगैर बैंक की ब्याज भरे, हम अपनी ओडी भरे कि व्यापार करें, कि प्लांट रेंट दे, कि स्टाफ मैनेजमेंट करें। आज आप लोगों की क्या मांग? हमारी मांग यही है कि जो लीगल प्रोसेस चल रहा है कार वेयर वाले लोगों के साथ भी तो सहूलियत दी जाए, कि हम गाड़ी लाके एक्सचेंज करके लाते हैं गाड़ियाँ, तो हमारे पार्टी प्रस्तुत नहीं हो सकती यहाँ पे। हम लोग सेल परचेज का व्यवसाय है, अगर लगे हैं तो हम लोग घूस तो डबल ट्रिपल जो भी ठीक है वो सेकंड हम दलाल हमें बोलता है, हम घूस देते चले जाते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है, हमारा ये कहना है कि सब चीज जो सब पूरे मध्य प्रदेश जो लागू है, जो चीजें मध्य प्रदेश चल रही है वो हमारे जबलपुर में शहर में चले। नहीं, एक्चुअली क्या है कि ऑफिस के काम को लेकर के कुछ पेपर्स वगैरह को लेकर के कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, जिन पेपर्स की मांग की गई है, और अब ये सभी लोग वो पेपर्स जो पहले नहीं लग रहे थे, जो विधि सम्मत थे उनको लगाना था, उसको लगाने के लिए तैयार हो गए, सभी एग्री हो गए और वो पेपर्स अब लगाए जाएंगे और सुचारू रूप से जैसे पूर्व में काम चल रहा था वैसे काम चल रहा है।